हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुमार गर्ग, सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स, रेजिडेंस कोटा। आज हम 31 जनवरी 2024 का शिफ्ट वन का मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस आप अपन डिस्कस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों में हो सकता है सिंगल चॉइस क्वेश्चन की जगह हमने इंटीजर बता दिया हो, इंटीजर की जगह सिंगल चॉइस बना दिया हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं। बच्चों से जितने क्वेश्चन हम कलेक्ट कर पाए उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। डेटा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एक वर्ड दे रखा है, इसमें से चार लेटर को सिलेक्ट करना है और चार लेटर का वर्ड फॉर्म करना है। तो कोई इसमें सारे लेटर्स डिफरेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट लेटर्स नहीं है, कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं, कुछ डिस्टिंग है। तो इसमें रिपीटेशन वाले लेटर्स देखें बेटा, आई 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 थ्री टाइम्स है, जो आई लेटर है दैट इज थ्री टाइम्स। लेटर टी टू टाइम्स है, टी वन टाइम है, एस वन टाइम है, आर ये भी वन टाइम है, वी ये भी वन टाइम है, यू ये भी वन टाइम है, ओ वन टाइम है और एन भी वन टाइम है। लेटर्स मैंने चेक कर लिए कैसे कैसे लेटर्स हैं। ये जो लेटर आई था, आई थ्री टाइम्स था, आई थ्री टाइम्स, टी टू टाइम्स, डी वन टाइम, एस वन टाइम, आर वन टाइम, बी वन टाइम, यू वन टाइम, ओ वन टाइम, एन टाइम वन टाइम। अब इनमें से चार लेटर का सिलेक्शन करना, तो क्या क्या केस बन सकते हैं। तो फर्स्ट केस बन सकता है ऑल फोर लेटर्स डिफरेंट, ऑल फोर लेटर डिफरेंट ले लें। तो डिफरेंट फोर लेटर कैसे ले सकते हैं बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन टाइप्स के लेटर्स हैं। फोर लेटर्स का सिलेक्शन करें, नाइन सी फोर, और उनको अरेंज भी करना है मल्टीप्लाई बाई फोर फैक्टोरियल। सेकेंड केस क्या बनेगा, सेकेंड केस हो सकता है टू सेम, टू डिफरेंट लें, दो लेटर सेम लेने हैं तो दो लेटर इनमें से ले सकते हैं टू सी वन, और दो डिफरेंट लेने। अब डिफरेंट के लिए कितने ऑप्शन हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट ऑप्शन हैं, एट सी टू, और अरेंज करेंगे फैक्टर फोर अपॉन फैक्टर टू। थर्ड केस क्या हो सकता है, टू सेम ले लें, टू अदर सेम ले लें, टू सेम टू अदर सेम, तो दोनों लेटर इसमें से लेने पड़ेंगे, दो इसमें से दो इसमें से, तो टू सी टू, इनको अरेंज करें फैक्टर फोर अपॉन फैक्टर टू फैक्टर टू। और लास्ट केस क्या हो सकता है, एक केस ये हो सकता है थ्री सेम ले लें वन डिफरेंट ले लें, थ्री सेम लेटर्स और वन डिफरेंट। तो थ्री सेम लेटर लेने का एक ही ऑप्शन है वन सी वन, और वन डिफरेंट लेने कितने ऑप्शन है, एट एट सी वन। अरेंज करें फैक्टर फोर अपॉन फैक्टर थ्री, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा थ्री जीरो टू फोर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा एट सिक्स सेवेंटी टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, वन इंटू ट्वेंटी फोर अपॉन फोर, यह आएगा सिक्स के इक्वल, और इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा एट इंटू फोर थर्टी टू। इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे थ्री सेवन थ्री फोर, तो यह आंसर आएगा थ्री सेवन थ्री फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एक्सपेंशन ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स, वन प्लस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स क्यूब की होल पावर फाइव, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन। इसके एक्सपेंशन में इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स का सम निकालना है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो ये क्या बन रहा है, वन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस बी बन रहा है, यानी ये किसका क्यूब बन रहा है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट बन रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू वन प्लस एक्स, ये बन रहा है वन प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब, और होल पावर फाइव हो जाएगा 15। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये बनेगा वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, यानी वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल पावर 15। इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स इज टू पावर 17 अपॉन एक्स इज टू पावर 15, ये बनेगा एक्स पावर माइनस 15, एक्स पावर माइनस 14 इंटू वन प्लस एक्स इज टू पावर 17। इसको समीशन फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो समीशन फॉर्म में चेंज करेंगे एक्स पावर माइनस 15, एक्स पावर माइनस 14, समीशन 17 सी आर एक्स टू पावर आर, आर इज इक्वल टू 0 to 17। इसमें निकालना एक्स पावर एक्स क्यूब और एक्स पावर माइनस 13 का कोएफिशिएंट। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो समीशन ऑफ 17 सी आर एक्स इज टू पावर आर माइनस 15 आर इज इक्वल टू 0 to 17 माइनस समीशन 17 सी आर एक्स इज टू पावर आर माइनस 14 आर इज इक्वल टू 0 to 17। अब एक बार तो निकालना एक्स क्यूब, एक बार निकाला एक्स पावर माइनस 13, तो देखो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट अभी से निकाल रहा हूँ मैं अलग से, कोएफिशिएंट एक्स पावर 3 कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकाल रहे हैं, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे, एक्स क्यूब कब बनेगा, जब यहाँ पे 18 आए तो 18 तो पॉसिबल ही नहीं है, या एक्स क्यूब कब बनेगा, जब यहाँ 17 आए तो आर को 17 लेंगे तो 17 सी 17 आएगा, तो माइनस ऑफ 17 सी 17 यानी माइनस 1 आ गया। ऐसे निकालो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर माइनस 13 क्या आएगा, माइनस 13 निकालते, देखो माइनस 13 कब बनेगा, माइनस 13 तब बनेगा जो आर को 2 लेंगे, तो आर को 2 ले लो तो 17 सी 2 माइनस, यहां कब बनेगा माइनस 13, माइनस 13 बनने के लिए क्या होना चाहिए, यहां पे 3 लेना पड़ेगा, माइनस 13 के लिए यहां 1 लेना पड़ेगा, सॉरी आर को 1 लेंगे तो 17 सी 1 माइनस 17 सी 1, तो ये क्या होगा 17 इंटू 8 माइनस 17 17 इंटू 7 आ गया 119 आ गया। तो देखो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट तो माइनस 1 आ रहा है और इसका कोएफिशिएंट आ रहा है 119, दोनों का सम पूछा है आपसे, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 119 माइनस 1 118 हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों के कोएफिशिएंट का सम आएगा 118 के इक्वल, तो आंसर आएगा 118। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ दी सीरीज अप टू 10 टर्म्स, एक सीरीज दे रखी है इसकी 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो इस सीरीज का जनरल टर्म निकालो क्या रहा है, इस सीरीज का जनरल टर्म देखो 1 2 3 यानी आर आएगा, नीचे क्या आएगा देखो 1 सब में 1 आ रहा है, 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 3 स्क्वायर तो आएगा 3 इंटू आर स्क्वायर, 1 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 4 ये आएगा आर की पावर 4। ये जो आपका जनरल टर्म है ये इस सीरीज का जनरल टर्म है, सीरीज की 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो 10 टर्म्स का सम कैसे लिखेंगे, एस 10 समीशन ऑफ टी आर आर इज इक्वल टू 1 to 10 समीशन टी आर, इसको सिंप्लीफाई करो क्या बनता है, देखो समीशन ऑफ आर अपॉन आर इज टू पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको आर इक्वल टू 1 to 10। इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो समीशन ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 to 10। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे, देखो ये बनेगा समीशन ऑफ
डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन, और दूसरा फैक्टर आएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन। अब ये देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है टू आर के इक्वल, और ऊपर देखा आर के इक्वल, तो वन टू से डिवाइड कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू आर को क्या लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन माइनस आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन। ये जो न्यू टर इसमें टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर दिया है। अब इसको यदि सेपरेट कर देंगे दोनों को, तो दोनों को सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, वन बाई टू समेशन ऑफ वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन माइनस सेकेंड फैक्टर बनेगा वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, वन से लेके टेन तक। अब इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो डिफरेंस मेथड में मेथड ऑफ डिफरेंस वाला फॉर्म बन जाएगा। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से क्या बनेगा, देखो यदि आर की वैल्यू इसे पुट की जाए तो ये बनेगा वन बाई टू, आर को वन पुट किया, वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन बाई वन, आर को वन पुट किया, वन प्लस टू माइनस वन तो माइनस वन बाई वन, आर को टू पुट करें तो टू पुट करने पे फोर माइनस टू माइनस वन वन बाई वन माइनस, यहाँ टू पुट किया फोर प्लस टू माइनस वन वन बाई फाइव। इस तरह से टर्म बनती जाएंगी, लास्ट टर्म देखो क्या आएगा, आर को टेन पुट कर दें तो टेन पुट करने पे क्या आएगा, हंड्रेड माइनस इलेवन वन बाई एटी नाइन माइनस, यहाँ रखा टेन, हंड्रेड प्लस टेन वन वन जीरो माइनस वन वन जीरो नाइन। और ये देखो वन बाई वन ये कैंसिल आउट, वन बाई फाइव इससे कैंसिल, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वन बाई टू माइनस वन अपॉन वन जीरो नाइन। और सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये आपका जो बनेगा वो आएगा माइनस फिफ्टी फाइव अपॉन वन जीरो नाइन, तो आंसर विल बी माइनस फिफ्टी फाइव अपॉन वन जीरो नाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया बेटा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेज़ टू पावर टू मॉड साइन एक्स माइनस टू मॉड साइन एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट निकालनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो कैसे बनेंगे, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट सेम आएगी, तो मैं राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखा रहा हूँ बेटा। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी इसकी, देखो राइट हैंड लिमिट आएगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेज़ टू पावर टू साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म को कैसे निकालते हैं, डी एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं देखो इसको, ई रेज़ टू पावर टू साइन एक्स, टू साइन एक्स का टू कॉस एक्स माइनस टू कॉस एक्स डिवाइड बाई टू एक्स, क्लियर है। यहां से टू कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो टू कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा आपका कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स ई रेज़ टू पावर टू साइन एक्स माइनस वन। अब इस स्टैंडर्ड लिमिट बना देते हैं बेटा इसकी, देखो ई रेज़ टू पावर एफ एक्स माइनस एफ एक्स से डिवाइड करते हैं, एफ एक्स का मतलब टू साइन एक्स से डिवाइड कर दें और टू साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर। अब देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस एक्स, ये स्टैंडर्ड लिमिट है ई रेज़ टू पावर एफ एक्स माइनस वन बाई एफ एक्स, और लास्ट वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपका टू साइन एक्स बाई एक्स। ये लिमिट वन के इक्वल, ये लिमिट वन के इक्वल और ये लिमिट टू के इक्वल, तो लिमिट क्या आएगी बेटा वन इंटू टू, तो फाइनल लिमिट आएगी टू के इक्वल, तो फाइनल आंसर क्या आएगा टू।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वॉल्स आर सेलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम 10 रेड 30 व्हाइट 15 ऑरेंज एंड 20 ब्लू बॉल्स, देन प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकेंड बॉल इज व्हाइट। सिंपल क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट के साथ टू बॉल निकालनी बेटा, पहली बॉल आपकी रेड होनी चाहिए, फर्स्ट रेड और सेकेंड व्हाइट। तो फर्स्ट बॉल की रेड होने की प्रॉबर्टी क्या है, 10, टोटल बॉल्स कितनी है 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 15 75, तो रेड बॉल फर्स्ट रेड बॉल होने की प्रॉबर्टी 10/75। रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हैं तो सेकेंड बॉल के लिए व्हाइट होने की प्रॉबर्टी क्या है, व्हाइट बॉल है 30/75, तो सिंप्लीफाई करके तो आएगा 2/15 × 2/5, तो ये आएगा आपका 4/75, तो आंसर फाइनल आंसर विल बी 4/75। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है, पी क्रॉस बी है, बी क्रॉस सी के इक्वल, पी डॉट ए है 0 के इक्वल, आपको पी डॉट आई माइनस ए प्लस के निकालना था बेटा, तो कैसे निकालेंगे, पहले बताओ वेक्टर पी निकालते हैं यहाँ से, वेक्टर पी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से आप बोलोगे वेक्टर पी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो वेक्टर पी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी ये 0 होगा, इसको क्या होगा, पी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 के इक्वल होगा, तो आएगा आपका पी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से आ गया पी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, दोनों वेक्टर पहले लोगे क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो वेक्टर पी आ गया लैम्डा बी माइनस सी, क्लियर है, आप लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे, पी डॉट ए 0 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से लैम्डा निकाल लो, तो पी डॉट ए इज इक्वल टू आएगा लैम्डा बी डॉट ए माइनस सी डॉट ए, और ये किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा आएगा सी डॉट ए डिवाइड बाई बी डॉट ए, ए बी सी गिवन है, सी डॉट ए निकाल लो, सी डॉट ए निकालेंगे तो क्या आएगा, सी डॉट ए 5 माइनस 6 प्लस 16 डिवाइड बाई, ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा 2 माइनस 9 प्लस 16, तो कितना आ रहा है, देखो ये आ गया आपका 15 डिवाइड बाई 18 माइनस 9 9, ये आ गया 5/3, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/3, तो पी वेक्टर क्या आ गया, पी वेक्टर आ गया फाइनली 5/3 बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, यानी 1/3 5 बी वेक्टर माइनस 3 सी वेक्टर, पी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, पहले 5 बी वेक्टर आएगा 10 आई कैप माइनस 15 जे कैप प्लस 20 के कैप माइनस 3 सी वेक्टर 15 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 12 के कैप, तो सिंप्लीफाई करने पर आ गया माइनस 5 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 8 के कैप, ये आपका पी वेक्टर आ गया, पी वेक्टर का इसके साथ डॉट निकालना है, तो ये जो पी वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप निकालना है, डॉट कर देते हैं बेटा, देखो क्या आता है 1/3, इसका आ गया माइनस 5, इसका आ गया प्लस 9 और इसका आ गया प्लस 8, कितना आ गया 8 + 9 = 17, 17 - 5 = 12, 12 / 3 = 4 आएगा आंसर, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा इसका 4 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, g(g)(g)4 निकालना है बेटा, तो पहले जी एक्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जी एक्स निकाल दो,
एफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स रखो इसमें, एफ एक्स रखेंगे तो 4x-3 डिवाइड बाई 6x-4, ये वाली वैल्यू इसमें रखो फंक्शन में, तो आएगा 4 times of 4x-3 डिवाइडेड बाई 6x-4-3 डिवाइडेड बाई 6 times of 4x-3 डिवाइड बाई 6x-4-4। सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या फंक्शन बन रहा है, देखें यह 16x-12-18x+12 होल डिवाइडेड बाई 24x-18x-24x+16 कैंसिल आउट, ऐसे 12x कैंसिल आउट, तो ये आ गया -2x/-2। क्या आएगा आपका आंसर, तो जी एक्स आ रहा है एक्स के इक्वल, आपको क्या निकालना है, g ऑफ g4 निकालना है, तो g ऑफ g4 g4 की वैल्यू क्या आएगी 4 के इक्वल, अगेन g4 की वैल्यू क्या आएगी 4 के इक्वल, अगेन g4 की वैल्यू क्या आएगी 4 के इक्वल, तो g ऑफ g x आपका x आ रहा है g x है, इसका मतलब g4 क्या आएगा 4 आएगा, उसका अगेन g4 निकालेंगे 4 आएगा, g4 निकालेंगे 4 आएगा, तो आंसर क्या आएगा फाइनली, फाइनल आंसर आएगा 4 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच ax² + 2 times of a + 1x + 9a + 4 डिवाइड बाई x² + 8x + 32 लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। देखिए एक इनइक्विटी दे रखी है, ये इनइक्विटी ऑल रियल नंबर्स को सेटिस्फाई कर रही है और एक ही पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज निकालनी, वी हैव टू फाइंड पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए। देखो इस ये जो आपका डिनोमिनेटर दे रखा है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 64-4 times of 32 नेगेटिव आ रहा है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो ये तो जीरो में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा ax² + 2 times of a + 1x + 9a + 4 दैट शुड बी लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर दिस शुड बी नेगेटिव। तो देखो ये तभी पॉसिबल है जब उसका ग्राफ किस तरह से बने, यदि क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ ऐसे आना चाहिए, यदि इसको क्वाड्रेटिक मान के चले तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज नेगेटिव कब आएगा, जब ये नेगेटिव हो। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ ए पूछे, तो ए नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ए जीरो रख के देखें, जीरो रखेंगे तो 0 + 2x + 4 ए को जीरो लेंगे तो 2x + 4 < 0 इससे एक्स रियल नंबर आ रहा है क्या, सारे रियल नंबर नहीं आ रहे तो एक वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती, ए नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ए नेगेटिव लेंगे ए नेगेटिव में कुछ वैल्यू आएगी ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए आ रही है कि इसमें फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू इन वैल्यू ऑफ ए आ रही है क्या, कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए कितनी होंगी, जीरो होंगी, कुछ नहीं करना था सिंपल सा क्वेश्चन, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए दैट कैन बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, dx/dy इजी क्वेश्चन बन रहा है x/y ln x - ln y ln x/y + 1। ये देखो x/y में एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसके इसमें x/y x को मान लिया मैंने vy के इक्वल, तो आएगा dx/dy इज इक्वल टू वी प्लस वाई db/dy। dx/dy की वैल्यू क्या होगी, x/y आएगा v के इक्वल, x/y को v रिप्लेस कर दो तो v ln v प्लस 1 इज इक्वल टू v प्लस वाई db/dy ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो
सिंप्लीफाई करने पर बनेगा वी एल एन वी, ये वाला वी तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू वाई टी बी अपॉन डी वाई। वेरिएबल सेपरेशन कर दें तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन वी एल एन वी। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन एक वाई इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या है एल एन ऑफ एल एन वी, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एल एन सी ले लिया, ठीक है। तो यहां से सिंप्लीफाई करने पर आएगा वाई इज इक्वल टू सी एल एन वी, क्लियर है। वी की वैल्यू पुट करो तो वी क्या था, वी था एक्स अपॉन वाई, तो वाई इक्वल टू आ गया सी एल एन एक्स अपॉन वाई। अब सी निकालना बाकी रहा, सी कैसे निकालेंगे, ये जो कर्व है किससे पास हो रहा है, ई कोमा वन से पास हो रहा है, तो ये जो कर्व है दैट इज पासिस थ्रू ई कोमा वन, ई कोमा वन पुट कर दो, वन इज इक्वल टू सी एल एन ई अपॉन वन, तो सी की वैल्यू आ गई वन के इक्वल, तो सी को वन पुट कर दो तो क्या आ गया आंसर, वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन वाई, ये आ जाएगा डिफरेंश जो आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट विल बी इक्वेशन ऑफ कर्व, ये का आंसर आएगा फाइनल आंसर वाई इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन वाई।